मैं आपसे बहुत माजत खाऊँ इस्माइल मियाँ, मुझकी जहनी कैफियत आजकल कुछ ठीक नहीं है। पैदर पे सदमात ने शायद सोचने समझने के काबिल नहीं छोड़ा। वो सोचती नहीं है, कुछ भी बोल देती है। पापा, अब मुश्क आपसे ज्यादा मेरी जिम्मेदारी है, तो आप क्यों तरद्दुद कर रही हैं? उसने एक बात कही, मैंने इत्तेफाकन सुन ली, जिसमें उसने कोई गलत बात नहीं की। दिली कैफियत थी, उसने बयान कर दी, और दिल को बदलने में तो ना आपका इख्तियार है, ना मेरा, ना उसका। इख्तियार तो मैं इस बात पर भी नहीं है ना कि हमारा दिल ना दुखे, मगर उसकी बातों से मेरा दिल बहुत दुखा है और यकीनन आपका भी दुखा होगा। मगर ये आपका ज़र्फ है, आपका बड़ापन है, जो आप हर बात दरगुजर कर देते हैं। अपा, दुख सहने के मामले में मैं काफी सख्त और ढीठ हो चुका हूं। जब से गीति जिंदगी से गई है, कोई ऐसा हादसा था जिसे मुझे बिल्कुल मफलूज करके रख दिया। एक फौलत ज्यादा जहन के साथ मैंने बच्चों, मोहिनी और घर को किस तरह संभाला पता भी नहीं। लेकिन उस मुश्किल वक्त में जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा साथ दिया, उसको मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। और वैसे भी आप कोई बात बुरी लगती नहीं, शायद कुव्वते बर्दाश्त इतनी बढ़ गई है कि तलख से तलख बात भी होती है तो मैं मुस्कुरा देता हूँ। जिंदगी मुश्किलात तो देती है, लेकिन शायद साथ ही साथ उन मुश्किलात में मुस्कुराने का भी ज़र्फ दे देती है। बशर्ते कि इंसान इतनी अजमत, इतने हौसले वाला हो जैसे कि आप हैं, वरना कुछ लोग तो खुद मुस्कुराना भूल जाते हैं और दूसरों की मुस्कुराहटें भी छीन लेते हैं। गम को सलीके से झेलने का तरीका भी हर किसी को नहीं आता। अच्छा, आप इजाजत दें। जी बिल्कुल, आते जाते तो रहेंगे ना। बिल्कुल, अपने ही घर। जीते रहिए, मैं आपका गाड़ी में इंतजार करता हूँ। मुश्क, अपने घर का, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखना। मुझे कहने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कह रही हूँ। हाँ बात जीती रहो।